जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी भी इन दिनों चल रहे होंगे बागेश्वर धाम सरकार के पीछे, जो हाथ धोकर मीडिया पड़ी हुई है, लोग पड़े हुए हैं उनके पीछे। आपकी क्या राय है इस बारे में, जरूर मुझे दीजिएगा। मैं अपनी राय आप सभी को बताना चाहूंगी। आप सभी देखे होंगे कि रायपुर में उनकी कथा, या जो उनका जो वह लोगों की जो परेशानियां हैं उनके लिए समाधान देते हैं, तभी लोगों ने, कुछ खास लोगों ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। कुछ खास लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों की आस्था से खेल रहे हैं या विश्वास से खेल रहे हैं। ऐसे में गुरुजी ने देखा होगा आपने, कई पूरे देश विदेश की मीडिया उनकी कथा उनके पंडाल के सामने अपने कैमरा लगाए खड़ी हुई है। तभी गुरुजी बहुत अधिक क्रोधित हुए थे। उन्हें मानसिक पीड़ा देने का हक किसी को नहीं है, जहां तक मैं उन्हें मानती हूँ, आप सभी भी मानते होंगे। वह निशुल्क सभी का जो भी परेशानी है उन्हें सुनते हैं। इस दुनिया में दुख दर्द अलग अलग तरह के हैं। कोई धन संबंधी परेशानी से जूझ रहा है, कोई संतान संबंधी, या जीवन में किसी के संकट है, उनके लिए वह निशुल्क जो है सुविधाएं देते हैं या उनका समाधान करते हैं। उनमें से कुछ लोगों को भी इससे फायदा होता है, तो किसी को कहाँ दिक्कत है, बताइए। अन्य समाज के लोग, जहाँ बहुत एकता होती है लोगों में, वहीं हमारे हिंदू धर्म में यही कमी है कि किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट करने के लिए हम सभी एकत्रित हो जाते हैं। ना वो पैसा ले रहे हैं, गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा समय के बाद जब थोड़ा धन इकट्ठा हो जाएगा, एक कैंसर हॉस्पिटल हम पूरे देश के लिए खोलेंगे। देश विदेश में उन्होंने जय श्री राम का पताका फैलाया हुआ है पूरे विदेश तक में। चलो इंडिया में हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हालांकि हम जानते हैं हम पढ़े लिखे हैं, लोगों के दृष्टिकोण से जो यह जानते हैं कि हम अंधविश्वासी हैं, दूसरों के पीछे चले जाते हैं, परंतु देश विदेश में आपने देखा होगा, मैं तो कई समय से उन्हें सुनती हूँ, उनकी वीडियोस देखती हूँ, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करती हूँ। हम तो चलो इतना हम अंधभक्त रहे हैं भारत में रहने वाले, परंतु विदेश में जाने वाले लोग कैसे अंधभक्त हो गए। किसी भी महात्मा की इतनी कथाएं या इतने शिविर, मेरा मानना है कि विदेश में नहीं लगे जितने हमारे बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी के लगे हैं। वहाँ के लोगों की कई परेशानियों का जवाब गुरुजी ने सीधे हाथों हाथ दिया है और कईयों की समाधान भी हुआ है। देश विदेश में उनके चाहने वाले हैं, वह किस एंगल से आपको गलत लगते हैं जरा मुझे बताइए। आज उन सभी के लिए यह जवाब है जो सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, अन्य धर्मों को वह नहीं लेकर चलते। सिर्फ हिंदू धर्म कोई कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ कुछ कोई अन्य धर्म के लोग, पादरी और जो यह अन्य धर्म के होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मुसलमान धर्म के लोग, वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुपया पैसा लेकर झाड़ फूक करते हैं। जबकि गुरुजी हमारे कोई पैसा नहीं लेते, निशुल्क सुविधाएं हैं, किसी की उल्टा सहायता करते हैं, गरीब जन की किसी न किसी को वह मदद करते हैं। तो आप सभी भी उनका साथ दीजिए, जहां तक मेरा कहना है। और यह तो सत्यता हो चुकी है, खुद जो मीडिया गण आए थे, अर्थात मीडिया के लोग आए थे, उनकी खुद उन्होंने पर्चा बना दिया, और उनकी पूरी आपबीती उनके साथ जो हुई थी, जो कुछ लोग नहीं जानते थे, स्वयं उन्हें भी नहीं पता था मीडिया कर्मी, कि गुरुजी हमारा पर्चा बना देंगे, उनका पर्चा गुरुजी ने बना दिया और उनकी पूरी सत्यता बता दी, और वह लोग भी गुरुजी को मान गए। इसके बाद यही साबित होता है कि आज से बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी की कोई भी बात मीडिया में गलत तरीके से नहीं आनी चाहिए, पुरजोर इसका विरोध होना चाहिए। गुरुजी के पीछे इस तरह से हाथ धोकर पड़ना और उन्हें मानसिक रूप से चिंता देना बहुत दुख का विषय है। प्रत्येक हिंदू का यह धर्म बनता है, भले ही उनके धाम पर न जाए, उनके नाम की पूजा पाठ न करे, उनके नाम के कोई पैसे न दे, परंतु किसी विशेष व्यक्ति के पीछे टारगेट करना कहाँ का इंसाफ है। हर एक धर्म के पीछे आप जाइए, अगर आप अंधविश्वास को रोकने वाले लोग हैं तो सभी धर्मों को रोकिए, आप स्पेशली किसी विशेष व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े हैं। ना वो पैसा ले रहे हैं, ना आपसे आपको आमंत्रित कर रहे हैं जबरदस्ती मेरे धाम पर आइए। जिसको जो समस्या है वह स्वयं आता है, अपने पैसे के दम पर आ रहा है, और आप सभी उनके पीछे विशेष रूप से पड़ गए हैं और ऐसे ऐसी बातें उनके लिए फैला रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस आप बना रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को रोकिए, यह सही नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म का कोई प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसे सपोर्ट कीजिए। वह किस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं मुझे यह बताइए। वह सिर्फ श्री राम का नारा दे रहे हैं, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं और प्रसार कर रहे हैं, और लोगों के हर एक तरह से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान
परेशानियों को निशुल्क दूर कर रहे हैं। तो आज यही बात यह खत्म हो जानी चाहिए कि बागेश्वर धाम सरकार के पीछे किसी को नहीं पड़ना चाहिए, बस श्री राम का नारा लगाते हुए आध्यात्मिक धर्म को आगे बढ़ाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यह मेरे विचार हैं, आप सभी मुझे अपने विचार बताइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।